नॉर्थ इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो फुल्ली अनटच बाई हैंड्स टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जर्मन टेक्नोलॉजी। किसानों के द्वारा ही कलेक्ट की गई ये मटर है जिसकी हम पूरी फार्मिंग से कलेक्ट करके और फिर इसको आईपीओ टेक्नोलॉजी के थ्रू पैक करते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आनंदा का एक और नया कदम, आनंदा डेयरी लिमिटेड ग्रुप से जुड़े। अपने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आनंदा ने अपने किसानों से हरी मटर स्वीट कॉर्न भी खरीदना शुरू कर दिया है, जिसके लिए आनंदा ने अपने खैरपुर, खैराबाद, पिलखुआ, हापुड़ में स्थापित प्लांट पर फ्रोजन मटर स्वीट कॉर्न, फ्रोजन चाप, दर्जनों डिस्ट्रीब्यूटर सहित लॉन्च किया। NCR के आनंदा के दर्जनों डिस्ट्रीब्यूटर ने इस लॉन्चिंग में भाग लिया। डेयरी प्रांगण में सभी डिस्ट्रीब्यूटर ने पौधारोपण भी किया। आनंदा चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने बताया कि आनंदा के पूरे उत्तर भारत में आनंदा की 5 फैक्ट्रियां हैं। आनंदा से 3 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आनंदा किसानों के बैंक खाते में सीधे डिजिटल पेमेंट करती है। अब आनंदा उन्हीं किसानों से हरी मटर स्वीट कॉर्न भी खरीदेगी, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। किसानों से हरी मटर स्वीट कॉर्न को खरीदकर उनको फ्रोजन कर आनंदा अपने आउटलेट्स पर एवं डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करेगी। किसानों के साथ साथ वितरण करने वाले लोगों को भी रोजगार मिलेगा। आनंदा लोकल फॉर ग्लोबल पर भी काम कर रही है। पिलखुआ स्थित फैक्ट्री से कई उत्पाद विदेश में भी जाते हैं। आनंदा चेयरमैन ने बताया कि हमारा उद्देश्य हापुड़ क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के गांवों की महिलाओं को भी रोजगार देना है, जिससे महिलाएं और ज्यादा स्वावलंबी हो सके। इस मौके पर आनंदा के डायरेक्टर सूरज दीक्षित, राहुल दीक्षित भी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, जो कोविड के बाद जो लोगों को समझ में आया कि आज सबसे ज़्यादा जीवन में ज़रूरी है, वो है अच्छा खाना। और उस अच्छे खाने की जो परिभाषा है बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन अगर शुद्ध उत्पादन किया हो, जो कि आनंदा जिसके लिए कमिटेड है, आज जो मटर और सोया चाप और साथ में बेबी कॉर्न, जो 3 प्रोडक्ट पर हम जो काम करने जा रहे हैं। अब देखते हैं, जो किसान सिर्फ गन्ना उगा रहा है, ट्रेडिशनल खेती कर रहा है, गेहूं उगा रहा है, सरसों उगाई उसने, अब फिर उसमें देखता है कि मेरे को पूरा दाम नहीं मिलता है, तो किसान की सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, ट्रेडिशनल खेती करता है और ट्रेडिशनल खेती का पूरा दाम नहीं मिलता है। तो आनंदा ने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही किसानों से, जिन 3 लाख किसानों से हम दूध प्रिक्योर करते हैं, दिन में 2 बार उनसे दूध लेते हैं और